नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रैफिक शुरू, सिग्नल बंद, भीड़ के कारण बीज नहीं खरीद पा रहे किसान, भूख प्यास गर्मी से मादा तेंदुआ और शावक की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। ट्रैफिक शुरू, सिग्नल बंद। ट्रैफिक कम होने के कारण सिटी के मुख्य रोड वाले कुछ चौराहों को छोड़कर सारे ट्रैफिक सिग्नल भी बंद कर दिए गए थे ताकि बेवजह किसी को रुकना न पड़े। लॉकडाउन के दौरान लोगों की बेवजह आवाजाही पर भी प्रतिबंध था, सारे बाजार बंद थे, निजी कार्यालय भी बंद थे, जिसके चलते सिटी की सड़कों पर ट्रैफिक बेहद कम रहता था। ट्रैफिक कम होने के कारण सिटी के मुख्य रोड वाले कुछ चौराहों को छोड़कर सारे ट्रैफिक सिग्नल भी बंद कर दिए गए थे ताकि बेवजह किसी को रुकना न पड़े। लेकिन अब जबकि लॉकडाउन में छूट दी गई है और सारी दुकानों को सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है, तो ट्रैफिक भी काफी बढ़ गया है। 2 महीनों से घरों में बैठे लोग बाजार खुलने के बाद अब उमड़ पड़े हैं, लेकिन ट्रैफिक बढ़ जाने के बाद भी चौराहों के सिग्नल शुरू नहीं किए गए है, जिससे अब वाहनों की अफरा तफरी मची हुई है। चारों दिशाओं से आने वाले वाहनों में पहले निकलने की आपाधापी मची हुई है, जिससे घटना की आशंका भी बनी रहती है। टेलीफोन एक्सचेंज चौक, भांडे प्लॉट चौक, आवारी चौक, टुकड़ोजी पुतला चौक, नरेंद्र नगर चौक, नरेंद्र नगर चौक के आगे वाला चौक सहित अमूमन सभी चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं, जिससे अफरा तफरी मची हुई है। तो वही दूसरे और भीड़ के कारण बीज नहीं खरीद पा रहे हैं किसान। किसानों को अभी बीज खरीदने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जून में बीज खरीदी का सीजन शुरू होते ही विदर्भ के किसान बीज खरीदी में लग गए हैं। हालांकि किसानों को अभी बीज खरीदी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए हर दिन दुकान को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है, जिसके चलते बीज मार्केट में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। भीड़ कारण कई किसान बीज खरीद नहीं पा रहे हैं। 2 बजे दुकान समेटने का समय होने के कारण किसानों को बेरंग लौटना पड़ रहा है। दुकानें पर्याप्त समय तक नहीं खुलने के चलते गांव से बीज खरीदने के लिए किसानों को नागपुर आना महंगा पड़ रहा है। अगले माह से होने वाली बुआई के लिए किसान कपास, तुअर, धान व सोयाबीन के बीजों की खरीदी करने के लिए बीज मार्केट आ रहे हैं। तो वही तीसरी और भूख प्यास गर्मी से मादा तेंदुआ और शावक की मौत। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने जताई संभावना। भूख प्यास और गर्मी से तड़प तड़प कर एक मादा और तेंदुआ उसके 4 माह के शावक ने दम तोड़ दिया। गुरुवार को मोजा, मोहगांव, पेंडरी, नाला बीट, कोतुलना सहवन क्षेत्र, खुबाला वन परिक्षेत्र खापा में करीब 4 वर्ष की मादा तेंदुआ और 4 माह का उसका शावक मृतावस्था में मिला। जानकारी मिलते ही मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। इस दौरान लोगों की भीड़ भी वहां जमा हो गई। वन परिक्षेत्र के अधिकारियों ने दोनों ही तेंदुओं का पोस्टमार्टम करवाया। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।